बताइए, ये जो नया खुलासा है जो आपने लिखा है कि राजीव गांधी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये बाबरी मस्जिद के भीतर जो ताला है उसे खोला गया है, क्या है ये पूरी बात? मुझे ये विचार नहीं था कि ये कोई खुलासा है, ये तो मैं हमेशा से जानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। ये जैसे आपको याद है कि फरवरी 1986 में ताले खोले थे और सितंबर में हम गुजरात की ओर जहाज में जा रहे, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में जा रहे थे क्योंकि वहाँ वो ड्राउट हो रहा था। तो उस दौरान मैंने उनसे ये बात की, इसके बारे में बात की, तो उन्होंने उस समय मुझे ये बताया कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था इससे पहले कि ऐसा हुआ। और यह बात मैंने फिर औरों से भी, अपने साथियों से बात की, जैसे मणिशंकर अय्यर हैं हमारे साथ संयुक्त सचिव थे वे, तो उन्होंने भी कहा कि उस समय शायद राजीव विदेश में थे जब ये ताले खुले, और वहाँ भी वो आश्चर्यचकित हुए थे कि ये कैसे हुआ, उनको उसके बारे में पता नहीं था। अच्छा, मुझे और एक बात है कि मैं जो ये अल्पसंख्यकों के विषय पे कागजात मेरे ज़रिए जाते थे, मैं उस समय 1986 में मेरे विचार में मैं संयुक्त सचिव बन गया था तो मेरे ही ज़रिए कागज़ जाते थे, तो उसमें ऐसा कोई फाइल नहीं चल रहा था बाबरी मस्जिद के बारे में। ये अचानक हुआ और उसके बाद ये ताले खुले और बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं।